अध्यात्म योगी श्री परम कृपाळु श्रीमद् राजचंद्र रचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र ने स्तुति। हे पतित जन आवनी दूर स्तरी तास्तमी अधम उत्थारिणी आत्मस्थिति जन्म जन्मांतरो जानता जो की आत्म अनुभव वड़े आज दीदी भक्त भगी रथ समा भाग्यशाली महा भव्य भाग्यनी विनती चारु तर भूमि ना नगर नड़ी आत्मा पूर्ण कृपा प्रभु ए करी श्री आत्मसिद्धि शास्त्र श्री सद्गुरु चरणाय नमः। जी करूप समस्या बिना पाम्यो दुख अनंत समझा प्योते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत वर्तमान आकार मा मोक्ष मार्ग बहु लोक विचार वा आत्मार्थिने भाग्यो अत्र अगोप्य कोई क्रिया जड थई रहा शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोई बाह्य क्रिया महाराजता अंतर भेदन काई ज्ञान मार्ग निषेधता देह क्रिया जड़ आई बंत मोक्ष छे कल्पना आखे वाणी माही वर्ते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानी ते आही वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानी दान त्याग विरागन चित मा थायन तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मा तो भूले निज पाना ज्या ज्या ते जे योग्य छे तहां समझू ते क्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए देवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दय निज पक्ष पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग्य प्रत्यक्ष सद्गुरु तम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्षतया विना उगेन आत्मविचार सद्गुरु ना
उपदेशवण समझायन जिन रूप समझावण उपकार शो समझे जिन स्वरूप आत्मादि अस्तित्वना जीह निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं क्या आधार सुपात्र अथवा सद्गुरु एक हा जी अवगाहन काज ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज रोके जीव स्वच्छंद तो पामी अवश्य मोक्ष पाम्या हेम अनंत छे आख्यू जिन निर्दोष प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाय अन्य उपाय कर्याथ की प्राये बमणो थाय स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष समकित तेने भाखियु कारण गणी प्रत्यक्ष मानातिक शत्रु महा निज छंदे नमराय जाता सद्गुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाय जे सद्गुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान गुरु रहा छद मस्त पण विनय करे भगवान एवो मार्ग विनय तणो भाक्यो श्री वितराग मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य असत गुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काई महा मोहनीय कर्म थी बूढ़े हवधड़ माही होय मुमुक्षु जीवते समझे ए हविचार होय मता हे जीवते अवड़ो ले निर्धार होय मतार्थी तेहने आयन आत्म लक्ष तेह मता ते लक्षणो अही कहा निरपक्ष बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य अथवा निज कुल धर्म ना ते गुरु माज ममत्व जी जिन ते अप्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मा वर्ते दृष्टि विमुख असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य दीवाति कति भंग मा जी समझे श्रुत ज्ञान माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान लहु स्वरूपन वृत्तिनो ग्रहु व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान
अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द नीमाय लोपे सदव्यवहार ने साधन रही तथाय ज्ञान दशा पामे नहीं साधन दशा न काय पामे तीनों संग जे ती बूढ़े भव माही ए पण जीव मतार्थ मा निज माना दी काज पामे नहीं परमार्थ ने अन अधिकारी माज नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग सरलपणु न मध्यस्थता एम तार्थी दुर्भाग्य लक्षण कहा मतार्थिना मतार्थ जावा काज हवे कहूँ आत्मार्थिना आत्म अर्थ सुख साज आत्म ज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होय बाकी पुड गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोय प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्तिनो गणे परम उपकार त्रणे योग एकत्वथी वर्ते आज्ञाधार एक होय त्रण काल मा परमारथ नो पंथ प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग काम एक आत्मात्मनु बीजो नहीं मन रोग कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलास भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मात्म निवास दशा न एवी जास्तुति जीव लहे नहीं जोग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रोग आवे या एवी दशा सद्गुरु बोध सुहाय ते को ते सुई चारणा त्या प्रगटे सुखदाय ज्या प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह तै पामे पद निर्वाण उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाय गुरु शिष्य संवाद थी ठाकू छट पद आही आत्मा छिते नित्य थे छे करता निज कर्म छे भोक्ता वड़ी मोक्ष छे मोक्ष उपाय स्तु धर्म षट स्थानक संक्षेप मा षट अरसन पणते समझावा परमार्थ ने